दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्लेन में दिन रात आपकी सेवा करने वाली फ्लाइट अटेंडेंट महज 3 सेकंड में भाप लेती है कि प्लेन में बैठे पैसेंजर के मन में क्या चल रहा है और उनसे क्या चाहते हैं। आमतौर पर लोग ये सोचते हैं कि प्लेन में काम करने वाली फ्लाइट अटेंडेंट की जिंदगी मजे की जिंदगी होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इससे पहले कि वो फ्लाइट अटेंडेंट बने उन्हें कड़ी ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें इंसान की एक एक बॉडी लैंग्वेज में उन्हें ये सिखाया जाता है कि एक इंसान किस समय कैसा व्यवहार कर सकता है, और उन्हें ये भी सिखाया जाता है कि वो आइडियल से आइडियल इंसान को कैसे मैनेज करना है। इसलिए उन्हें इसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। आज हम फ्लाइट अटेंडेंट और उनसे जुड़ी ऐसी ऐसी बातें बताएंगे कि जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, अगर आपने फ्लाइट में सफर किया है तो आपने नोटिस किया होगा कि फ्लाइट अटेंडेंट जब प्लेन में पैसेंजर को वेलकम करती है तो अपने हाथों को पीछे कर लेती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आपको वेलकम करने के लिए ऐसा करती है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल वो पैसेंजर की गिनती कर रही होती है, और वो ऐसा इसलिए करती है कि अगर उंगलियों से उनकी गिनती करेंगी तो पैसेंजर को भद्दा लग सकता है और लोगों को ये लगेगा कि फ्लाइट अटेंडेंट उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही। यही वजह है कि उन्हें ट्रेनिंग के दौरान अपने हाथ पीछे करके पैसेंजर्स की गिनती करना सिखाया जाता है, तनख्वाह मिलती घंटों के हिसाब से। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि प्लेन में फ्लाइट अटेंडेंट की नौकरी करने वाली इन गर्ल्स को अच्छी खासी सैलरी मिलती होगी, लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दें कि इन्हें ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलती है। वैसे तो एक अटेंडेंट को प्लेन के उड़ान भरने से पहले कई चीजों का जायजा लेना होता है। उन्हें यात्रियों का अभिवादन करना होता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अलग से पैसे नहीं मिलते, बल्कि उन्हें घंटों के हिसाब से पैसे मिलते हैं, और उनका ये पेइंग आर तब शुरू होता है जब प्लेन हवा में उड़ चुका होता है, और जैसे ही प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड करता है तो इनका पेइंग आर समाप्त हो जाता है। है ना अजीब बात। सुबह 4 बजे उठकर लगना पड़ता है काम पर। दोस्तों, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी नौकरी कितनी मेहनत भरी होती है। ज्यादातर प्लेन अटेंडेंट को सुबह 4 बजे ही उठना पड़ता है, और वो हफ्तों तक प्लेन में ही रहती है, इसलिए वो अपने परिवार से दूर हो जाती है। द मिल हाई क्लब। दोस्तों, अक्सर आपने ये शब्द कई लोगों के मुंह से सुना होगा और आप सोचते होंगे कि इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो प्लेन के बाथरूम में अश्लील काम करते रहते हैं। जाहिर सी बात है कि आप समझ गए होंगे कि हम किन कामों के बारे में कह रहे हैं, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि बाथरूम से एक फ्लाइट अटेंडेंट का क्या वास्ता है। तो मैं आपको बता दूं कि हर फ्लाइट अटेंडेंट की ट्रेनिंग में ये बात सिखाई जाती है कि वो हर समय प्लेन के बाथरूम को चेक करती रहे कि कहीं दो लोग एक साथ बाथरूम में तो नहीं घुसे, और अगर गलती से कोई ऐसा करते पकड़ा जाता है तो उन्हें फौरन अरेस्ट कर लिया जाता है और हमेशा के लिए उनके पासपोर्ट को रद्द कर दिया जाता है। यानी उन्हें हमेशा के लिए हवाई यात्रा से बैन कर दिया जाता है। दोस्तों, अक्सर कुछ लोग ने प्लेन में जरूरत से ज्यादा शराब पी रखी होती है, तो किसी भी प्लेन अटेंडेंट को इस बात की पावर होती है कि वो उस व्यक्ति को प्लेन से उतार दे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उड़ते प्लेन से उसे फेंक दे, बल्कि उस व्यक्ति को अगले एयरपोर्ट पर उतार दिया जाता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि जब भी आप प्लेन का सफर करें तो शराब से दूरी बना ले, नहीं तो इस तरह का बर्ताव आपके साथ भी हो सकता है। जब भी आप प्लेन में सवार होने के लिए प्लेन में बैठते हैं तो आपका अभिवादन करने के लिए फ्लाइट अटेंडेंट प्लेन के दरवाजे पर ही खड़ी हो जाती है, लेकिन असल में वो यात्रियों को भाप रही होती है कि कौन सा व्यक्ति प्रॉब्लम कर सकता है और कौन सा नहीं, और ऐसा उन्हें ट्रेनिंग के दौरान ही सिखाया जाता है। इसके अलावा वो ये भी समझ जाती है कि आपातकाल के दौरान कौन सा यात्री उनकी मदद करने को तैयार हो जाएगा। देखिए कितने होशियार होती है ये फ्लाइट अटेंडेंट। दोस्तों, आपको बता दे कि फ्लाइट अटेंडेंट चाहे तो वो किसी भी यात्री से मेल जोल बढ़ा सकती है, और इसके लिए उन्हें कोई नहीं टोक सकता या उन्हें रोक सकता है। इसलिए जैसे डॉक्टर के पेशे में होता है
कि वो अपने किसी भी पेशेंट को डेट कर सकता है, वैसे ही एक फ्लाइट अटेंडेंट किसी भी यात्री से मेलजोल बढ़ा सकता है या उसे डेट कर सकता है। सिग्नल, कई बार जब फ्लाइट बड़े प्लेन्स में होती है तो प्लेन के दोनों तरफ एक एक फ्लाइट अटेंडेंट बैठी होती है, लेकिन वो एक दूसरे से बात करने के लिए चिल्ला कर तो बात नहीं कर सकती, बल्कि वो आपस में इशारों के जरिए बात करती है जो एक तरह के सिग्नल के रूप में काम करते हैं, और ये सिग्नल उन्हें ट्रेनिंग के दौरान सिखाए जाते हैं। इसी के साथ आपने बीप का साउंड सुना होगा, इसका मतलब ये होता है कि प्लेन अब खतरे से खाली है और प्लेन मुश्किल एरिया से निकल चुका है। ये सभी सिग्नल एक फ्लाइट अटेंडेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। दोस्तों, एक फ्लाइट अटेंडेंट का ज्यादातर समय प्लेन के अंदर ही गुजरता है, इसलिए वो पायलट को डेट करना शुरू कर देती है। इसलिए कई बार आपने सुना होगा कि एक फ्लाइट अटेंडेंट ने एक पायलट से शादी कर ली, पर इस बात से उनकी नौकरी पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि इससे इनके काम पर कोई असर नहीं पड़ता। आइडियल और वाहियात लोगों को कंट्रोल करना। दोस्तों, एक फ्लाइट अटेंडेंट प्लेन के अंदर आइडियल से आइडियल यात्रियों को काबू में कर सकती है, क्योंकि उन्हें अपने ट्रेनिंग के दौरान उन्हें सिखाया जाता है कि अगर कोई यात्री प्लेन में उपद्रव मचाता है तो वो उसे कैसे कंट्रोल करे। उनके पास हमेशा जिप टाई मौजूद होती है जिससे वो किसी के भी हाथ बांध सकती है। इसके साथ ही उन्हें ये भी सिखाया जाता है कि वो सीट बेल्ट से उपद्रव करने वाले व्यक्ति को कैसे सीट पर ही बांध दे। ना दोस्तों, आपने अक्सर फ्लाइट अटेंडेंट के मुंह से एक बात बार बार सुनी होगी कि आप प्लेन में सफर करते दौरान अपना फोन इस्तेमाल न करें, इससे प्लेन के नेटवर्क में दिक्कत आ सकती है। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि प्लेन में काम करने वाली फ्लाइट अटेंडेंट बेधड़क फोन का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो आपसे ऐसा करने से मना कर देती है। दरअसल ये प्लेन के फ्री वाईफाई का इस्तेमाल करती है और वो अपना अधिकतर समय फोन पर ही बिताती है। जूते पहनना, अक्सर प्लेन में कई लोग अपने जूते उतार कर बैठ जाते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्लेन का फ्लोर बहुत ही गंदा होता है और इसलिए उसे बार बार साफ किया जाता है, लेकिन कुछ लोग प्लेन में अपने जूते उतार कर बैठ जाते हैं। इसलिए एक फ्लाइट अटेंडेंट का एक काम होता है कि वो पैसेंजर को जूते पहनने के लिए मजबूर करे। जो फ्लाइट में जूते उतार कर बैठे हैं, अगर वो उनका कहना नहीं मानते तो उन्हें ये अधिकार होता है कि वो उनका पासपोर्ट कैंसिल करा। अक्सर जब प्लेन लंबी उड़ाने भरते हैं तो लोगों को नींद आ जाती है। अब ऐसे में फ्लाइट अटेंडेंट को भी नींद आती होगी, क्योंकि वो भी आपकी तरह प्लेन में आराम कर सकती है। इसलिए आपने लंबी उड़ानों के दौरान देखा होगा कि समय समय पर आपके पास मौजूद फ्लाइट अटेंडेंट बदलती रहती है, पर असल में वो बीच बीच में सोने चली जाती है। आपको बता दे कि बड़े आकार के प्लेन्स में उनके सोने की व्यवस्था अलग की जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं।